नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है जिसमें कई लोग अपना घर गंवा चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं और विस्थापन तक जो है यहाँ पर लोग करने को तैयार हो गए हैं। और आपने वो 4 मई वाला वीडियो देखा होगा जो हाल ही के दिनों में खूब वायरल है और उस वीडियो को देखकर आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चुप्पी टूटी और उन्होंने संसद सत्र शुरू होने से पहले इसके ऊपर बयान दिया। और अब लगातार जो है ये मामला लोगों की नजरों में आ रहा है और लोगों का ये वीडियो देख के दिल दहल गया, लोगों का यहाँ पर खून खौल गया। लेकिन अब यहाँ पर एक इंटरव्यू सामने आया है, इस बात की सच्चाई सामने आई है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। इसकी सच्चाई वो पीड़ित महिला जिनको माफ कीजिएगा ये सब मेरे को बोलने पड़े, जिनको यहाँ पर निर्वस्त्र करके परेड कराई गई जिसमें कई सारे मुख्य आरोपी वीडियो में दिखते हैं, उनके साथ कई कृत्य करते हुए वहां पर वो दिखाई देते हैं और ये जघन्य अपराध मणिपुर में हिंसा के दौरान होता है। 4 मई का ये वीडियो बताया जाता है और इस पर जो वो महिला, जो पीड़ित महिला है, उन महिलाओं में से एक के पति कारगिल वॉर में जवान रह चुके हैं और उन्होंने भारतीय आर्मी को अपनी सेवाएं दी हैं। उनके पति का कहना है कि उन्होंने इससे पहले इतनी बड़ी हिंसा कहीं नहीं देखी, उन्होंने देश को जो है उन्होंने देश की मदद की, देश की आर्मी में मिलकर देश की रक्षा की, लेकिन अपने गांव, अपने शहर और न ही अपनी पत्नी की वो रक्षा कर पाए। उन्होंने बताया जब आगजनी फैली तो वहां पर भीड़ जो है जानवरों के साथ साथ सभी इंसानों को वहां पर मार रही थी। आगजनी इतनी हो गई थी कि सभी लोग वहां जंगल में छिप गए थे, लेकिन भीड़ ने जंगल में उनको ढूंढ लिया और यहाँ पर देखा गया कि जातीय हिंसा इतनी बढ़ गई कि वहां पर महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। उनके पति के सामने उनकी पत्नी और अन्य पत्नी के कपड़े वहां पर उतारे गए और उन पर उनको परेड कराई गई। जब वहां पर दूसरी महिला के भाई ने इसका एतराज किया, इस पर आवाज उठाई, तो उसके भाई को वहां पर मौके पर ही जान से मार दिया गया। और आखिर और उस जवान ने कहा कि यहां पर पहली बार मैं इतना बेबस नजर आया कि मैंने देश की रक्षा तो की लेकिन अपने गांव और अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। जरा सोच के देखिए कि उस आर्मी वाले व्यक्ति पर, उस व्यक्ति पर क्या बीती होगी जिसने देश की सेवा की लेकिन वो इस भीड़ के आगे बेबस पड़ गया। आखिर सरकार और सिस्टम इतनी बुरी तरीके से फेल हो गया कि अपने देश की रक्षा करने वाले जवानों के परिवार की भी रक्षा वो ना कर सका। और पूरी तरीके से देखा जा रहा है ये आगजनी इतनी फैल गई है कि सुरक्षा बल भी यहाँ पर कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री संसद सत्र में एक बात बोलने को तैयार नहीं है। लगातार कांग्रेस यहाँ पर और अन्य विपक्षी दल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री संसद सत्र में बयान दें, उनका बयान देना जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से अभी तक कुछ नहीं निकला। संसद सत्र शुरू होने से पहले ही भले ही प्रधानमंत्री ने कई शब्द इस मणिपुर हिंसा पे बोले हों कि यहाँ पे आरोपियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन देखा जाए 5 मुख्य आरोपी यहाँ पर पकड़े गए हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। इस बीच बीजेपी के कई नेताओं ने इस पूरे बात की आलोचना की है, लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगे और उन 5 आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए और लगातार इसकी मांग उठ रही है कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पर मणिपुर में लगना चाहिए क्योंकि ऐसे और भी कई बेबस लोग यहाँ पर होंगे जो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पा रहे। लेकिन सरकार का कर्तव्य बनता है कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करें, अगर वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते तो यहाँ पर वहाँ प्रशासन का होना, CM का होना कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करी अगर वही सुरक्षित नहीं है और वही अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे हैं तो ऐसी सरकार का कोई फायदा नहीं कि वो शासन करे। और लगातार लोग यही मांग कर रहे हैं कि बीरेन सिंह इस्तीफा दे दें और राष्ट्रपति शासन लगे क्योंकि अब लोगों को भाजपा की नीति पर भरोसा नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है और लगातार यही मांग उठ रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप इस पूरे मामले पे क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें बताएं।